जय सियाराम दोस्तों, मैं अंकुश बर्मन और आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो न्यूली बिगिनर्स हैं, जिनको आउटलाइन परफेक्टली ड्रॉ करना सीखना है। तो वही लोग इस वीडियो को देखें, बाकी अदर्स जो है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से आप लोगों को डिटेल्स में दिखाने की कैसे आप ग्रिड में किसी भी आर्टवर्क को, किसी भी रेफरेंस फोटो को जो है परफेक्टली इसका आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें। तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है ग्रिड फॉर ड्रॉइंग, या फिर आप एक रेफरेंस फोटो सेम टू सेम साइज में जेरेक्स पेपर भी ले सकते हैं, उससे भी आप सेम टू सेम ग्रिड बना के आप ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं, इस रेफरेंस फोटो का जो लिंक है इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और रेफरेंस फोटो का आउटलाइन वाले फोटो का लिंक आगे आने वाली वीडियो में भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है ग्रिड फॉर ड्रॉइंग। ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, अगर आपके पास इससे भी बड़ा मोबाइल है तो आपको कुछ जो है इंटरफेस ऐसा ही दिखेगा, पर ऑप्शन जो है वो अलग अलग दिख सकता है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना रेफरेंस फोटो जो है सिलेक्ट कर लेना है जिस रेफरेंस फोटो को आप ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम इस रेफरेंस फोटो को आज ड्रॉ करने वाले हैं, तो इसे हम किस साइज में ड्रॉ करेंगे वो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद इस ये जो सेल साइज का ऑप्शन है, ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज हम वैसे ही रहने देंगे। और हम राइट साइड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे आपको इस तरह से इसे जो है क्रॉप कर लेना है। तो इतना ही पार्ट आपको ड्रॉ करने को मिलेगी, क्रॉप के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ऊपर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे क्रॉप के ऑप्शन पे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो ये जो ग्रिड दिख रहा है, सीरियल बाय सीरियल नंबर्स भी दिया गया है ग्रिड के ऊपर। तो अब हम इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस या फिर इन लाइनों का जो नंबर्स दिया गया है, इन लाइनों का डिस्टेंस आपस में कितना रखे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं हर एक रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने के लिए लगभग उसके ऊपर ग्रिड जो है 13 मिलीमीटर करके ही रखता हूँ डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है 13 मिलीमीटर एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मैं 13 मिलीमीटर एंटर करके इसके बाद ओके कर दूंगा, उसके बाद डन। उसके बाद जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है सीरियल नंबर्स दिख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक 1 से लेकर 15 16 तक। तो यहाँ पे जो है इन लाइनों से ये जो 12 नंबर लाइन से 13 नंबर लाइन का डिस्टेंस, यानी हर एक लाइन का डिस्टेंस आपस में जो है 13 मिलीमीटर आपको स्केल से नाप के रख देना है। तो मैंने यहाँ इन लाइनों का डिस्टेंस 13 मिलीमीटर करके रख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, लॉक कर देंगे ताकि जब हम इसमें हमारा उंगली लग जाए तो ये कहीं जो है जूम ना हो जाए, इसलिए आपको जो है लॉक कर देना है। उसके बाद आप इस रेफरेंस फोटो को अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते ही जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो हमें इसे कलरिंग ही रहने देते हैं। तो यहाँ ड्राइंग कॉपी में आपको सेम टू सेम साइज में ग्रिड जो है कैसे बनाना है, तो यहाँ पे जो है मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है, इसलिए आप लोगों को नंबर्स मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ लिखा है। तो यहाँ पे आपको जो है ग्रिड ड्रॉ करने के लिए पहले आपको एकदम पेपर के जो एकदम लास्ट से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 13 मिलीमीटर करके पहले डॉट दे रहे हैं, और उसके बाद इसके अपोजिट साइड में भी सेम प्रोसेस करना है, डॉट देते जाना है 13 मिलीमीटर डिस्टेंस रख करके, इसके बाद इस तरफ से भी और उसके बाद इसके अपोजिट साइड में भी। तो क्या करना है उसके बाद जो है, तो इन डॉट्स को इसके अपोजिट साइड के डॉट्स के साथ जोड़ देना है, इस तब जो है आपका जो है ग्रिड ऑटोमेटिकली जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सीरियल बाय सीरियल नंबर्स दे देना है ताकि आप ऑब्जर्व कर सके कौन सा पार्ट कहाँ पर है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो हम आउटलाइन का जो है कौन सा पार्ट हम पहले स्टार्ट करेंगे वो हमें ढूंढ लेना है। तो हम आउटलाइन का पार्ट हम इस आँखों के पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉइंट हमें ढूंढना है कहाँ पर है, तो ये पॉइंट हमें ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इस आँखों के ऊपर जो है ग्रिड का जो है लाइन गया है, इस लाइन को हम पहले ले लेंगे, इसके बाद इस लाइन को लेंगे। इस लाइन का नंबर है 9 और इस तरफ से इसके आसपास की जो लाइन, इस लाइन का नंबर है 10। तो हमें ये ही हमें अपने ड्राइंग कॉपी के ऊपर देखना है। तो ये रहा 1 2 3 से लेकर यह 9 नंबर लाइन इधर से, और इस तरफ से है 10। तो जो ये हमें जो क्रॉस पॉइंट है, ये वाला क्रॉस पॉइंट हमें इस जगह पर मिला। तो आपको कैसे नापना है, जो आँखों का पार्ट हम आँखों का आउटलाइन पहले ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको देखना है कितना होगा, लगभग 2 से 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपको यहाँ से डिस्टेंस आपको 2 से 3 मिलीमीटर के यहाँ पे पहले डॉट दे देना है, पहले आउटलाइन ड्रॉ नहीं करना है। उसके बाद जो है और थोड़ा आगे आना है, इस तरफ भी देखना है, ये जो आउटलाइन इस तरह से थोड़ा सा बेन होकर यहाँ पे जो है हल्का सा टच होके गया है, इस तरह से आपको देखना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग इतना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग आपको एडजस्ट करके दे देना है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, इसे आपको इस तरह से इस आउटलाइन को इस तरह से जोड़ देना है, और इस तरीके से मैं आउटलाइन को जो है कंप्लीट करूंगा। तो इसी तरीके से आप बहुत आसानी से इसका आउटलाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।